enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. अगर किसी दिन आप महाराष्ट्र के थिएटर्स में प्राइम टाइम पर कोई हिंदी फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अपना इरादा बदलना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त सारे थिएटर्स में एक साथ लगी हो एक मराठी फिल्म। लेकिन ऐसा क्यों होगा, इसका कर रहे हैं हम पोस्टमार्टम। मराठी चित्रपट ये शाम को भी लगना चाहिए और इसलिए राज साहब इसके बारे में सोच रहे और जल्दी हम लोग उसके बारे में मल्टीपिक थिएटर वालों को हमारा निवेदन देंगे और उनसे बात करेंगे। ये उसी MNS का फरमान है जिसने करण जौहर की एक फिल्म में मुंबई को बंबई कहने पर कंट्रोवर्सी खड़ी की थी और अब एक बार फिर बॉलीवुड MNS का सॉफ्ट टारगेट बनने जा रहा है। और अब MNS का कहना है कि अब से महाराष्ट्र के किसी भी थिएटर और मल्टीप्लेक्स में प्राइम टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मराठी फिल्में दिखाई जानी चाहिए। सुबह मराठी पिक्चर लगाते, कोई मेहरबानी कर देगा मल्टीप्लेक्स थिएटर वाले? 9 बजे का शो, 11 बजे का शो, कौन आएगा मराठी चित्रपट देखने को? तो मराठी चित्रपट ही शाम को भी लगना चाहिए। MNS के इस फरमान को सुनकर आपको भले ही कुछ अजीब सा लगे, लेकिन मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी इस बात से एग्री करती है कि महाराष्ट्र में प्राइम टाइम पर मराठी फिल्म दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मराठी फिल्म रिलीज होने से हिंदी कमर्शियल इंडस्ट्री पे इतना असर नहीं पड़ेगा। अगर एक हफ्ता किसी न किसी अच्छे मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्मों को स्लॉट मिलता है तो इट विल बी गुड फॉर मराठी फिल्म्स, लेकिन इट डेफिनेटली वॉन्ट बी बैड फॉर हिंदी फिल्म्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस कदम से बॉलीवुड के बिजनेस पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हिंदी फिल्में प्राइम टाइम पर अच्छी कमाई कर ले जाती हैं। लेकिन फिलहाल तो ये सितारे इस मुद्दे पर MNS का साथ देते नजर आ रहे हैं और इनके पास इसकी वजह भी है। बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मुझे नहीं लगता कि एक फिल्म की वजह से बॉलीवुड नाम की एक बड़ी इंडस्ट्री पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि मुझे लगता है कि इट्स अ प्राइड। MNS के इस फरमान से सबसे ज्यादा तकलीफ जिसे हो सकती थी वो है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि आखिरकार बॉलीवुड का बिजनेस बेस्ड है इनके अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन पर। लेकिन उन्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइम टाइम पर कोई हिंदी फिल्म लगे या मराठी फिल्म, क्योंकि उनके हिसाब से कई बार कोई अच्छे सब्जेक्ट पर बनी मराठी फिल्म भी अच्छा बिजनेस कर जाती है। I don't think it'll affect too much because anyways in the last 2 years there's been a great rise in the Marathi film industry in terms of quality of movies and collections. So in anyways since the last 1 year we've been programming Marathi movies in regular prime time slot. So I don't think it'll be a major issue for us anyways. यानी MNS के इस बयान पर ना तो एक्टर्स को एतराज है और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई परेशानी, क्योंकि उन्हें मतलब है फिल्म के अच्छे बिजनेस से। और मी शिवाजी राजे भोसले बोलते हैं वड़ू और नटरंग ये कुछ ऐसी मराठी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस किया है। हालांकि MNS के इस प्रस्ताव का कहीं पर कोई विरोध नहीं हो रहा है और ना ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान आया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर प्राइम स्लॉट में मराठी फिल्में दिखाई जाती हैं तो आने वाले दिनों में क्या बॉलीवुड के बिजनेस पर कोई फर्क पड़ेगा। और साथ ही ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर इस बार भी MNS की ये बात नहीं मानी गई तो क्या वो फिर कोई हंगामा खड़ा करेंगे। चेतना सिंह के साथ शोभित जिंदल, जूम मुंबई।